महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में पहुंचे पीएम मोदी, सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने 11 लाख लखपति दीदियों को बांटे प्रमाण पत्र, स्वसहायता समूहों को 5000 करोड़ का लोन भी जारी किया। लखपति दीदियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले, ये सिर्फ बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान नहीं, ये पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को मजबूत बना रही है। पीएम मोदी ने कहा, जब मैं लोकसभा चुनाव में आया था तब मैंने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का वादा किया था, 2 महीने में हमने 11 लाख बहनों को लखपति दीदी बना दिया। बदलापुर केस को लेकर सामाजी नगर एयरपोर्ट के बाहर महाविकास अघाड़ी नेताओं का प्रदर्शन, पीएम मोदी के जलगांव दौरे का विरोध किया। रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के 113वें एपिसोड का प्रसारण, पीएम मोदी ने किया नेशनल स्पेस डे का जिक्र, बोले देश ने पहली बार सेलिब्रेट किया नेशनल स्पेस डे, चंद्रयान 3 की सफलता देश के लिए गौरव। पीएम मोदी ने कहा, 21वीं सदी में मजबूत हो रही है विकसित भारत की नींव, स्पेस सेक्टर में हुए रिफॉर्म से देश के युवाओं का फायदा। पीएम मोदी बोले, देश के युवा राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति में युवाओं के जोश की जरूरत है, राजनीति में आने के इच्छुक युवाओं ने बड़ी तादाद में चिट्ठी लिखी है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले, परिवारवादी राजनीति प्रतिभाओं का दमन करती है, युवाओं को सही मार्गदर्शन की तलाश है। पीएम ने हर घर तिरंगा अभियान का भी जिक्र किया, बोले हर घर तिरंगा अभियान नई ऊंचाई पर, इस अभियान ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा, हर घर तिरंगा की वेबसाइट पर 5 करोड़ सेल्फी पोस्ट हुई। प्रधानमंत्री बोले, फिट रहना सभी के लिए जरूरी, युवा स्वस्थ होगा तभी देश आगे बढ़ेगा, फिटनेस के लिए फिट इंडिया अभियान शुरू किया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुना पीएम के मन की बात का कार्यक्रम, नड्डा के साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी साथ थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने भी मन की बात सुना, हिमंता के साथ पार्टी के कई नेता भी मौजूद थे। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना, पार्टी के कई नेता साथ थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जोनल कार्यालय खुला, गृहमंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। गृहमंत्री अमित शाह बोले, देश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ देश को नशा मुक्त बनाएंगे। कोलकाता कांड पर बोले पीएम मोदी, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी सजा हो, अस्पताल हो या पुलिस स्टेशन, लापरवाही का इलाज होना चाहिए। इशारों में ममता सरकार पर भी पीएम मोदी का हमला, बोले राज्य सरकारें अपराधियों को बचाने की कोशिश ना करें, दोषियों को मदद देने वाले बचने नहीं चाहिए, ऊपर से नीचे तक मैसेज बिल्कुल साफ हो। पीएम मोदी बोले, बहन बेटियों की पीड़ा समझ रहा हूं, महिला अत्याचार के लिए कड़े कानून बना रहे हैं, यौन अपराधों पर फांसी और उम्र कैद की सजा होगी, ऐसे अपराधी बचने नहीं चाहिए। पीएम मोदी बोले, अगर पीड़ित महिला थाना नहीं जाना चाहती है तो ईएफआईआर दर्ज करा सकती है, थाने के स्तर पर ईएफआईआर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा।